तने राग न जागे तने दाग न लागे तारी वासनाओ भागे तारी वासनाओ भागे तारी संयम पंथे भी चाल बने तारी संयम पंथे भी चाल बने वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने जसयम पंथे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ सतरंजे तीर्थाली राज माय फेवरेट दादा मेरे प्यारे दोस्त आदिनाथ दादा के चरणों में कोटिशह वंदन पुण्य सम्राट कल्पतरु कलिकाल युग प्रभावक श्रीमद विजय राजेंद्र सुश्रोजी मासा में कोटिशह वंदन पुण्य सम्राट मधुकर प्रभाकर श्रीमद विजय जैनसेन सुरेश्वरजी मासा में कोटिशह वंदन मेरे गुरुदेव शुभाशीष शुद्ध चारित्र पालक श्रीमद विजय ज्ञानंद सुरेश्वरजी मासा में कोटिशह वंदन वर्तमान गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वरजी मासाब तेमज जयरत्न सुरेश्वरजी मासाब ने कोटिशह वंदन मम गुरु मैया अनंत रष्टा श्रीजी तेमज मयूर कला श्रीजी मासाब ने कोटिशह वंदन यहाँ पर विराजित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम अनीता अ यानी अनगार अनगार बन के नी यानी नितत सतत ता यानी तरन खुद की आत्मा को बाह्य प्रपंच से दूर रख के खुद की आत्मा को तो तारूंगी ही स्वर इस अंगार के वेश के कारण मैं आप सब आत्माओं को भी तारने की ताकत कल मुझे इस संसार से छुटकारा पाके इस वेश के कारण आप सबको जरूर जरूर तारूंगी अगर इस अनिता का नाम मैंने सार्थक बनाया तो इसका क्रेडिट पूरा का पूरा मेरे माता पिता को ही जाता है क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही थी बिल्कुल नास्तिक विजयवाड़ा में पली बड़ी ना तो कुछ धर्म का संस्कार बचपन से पापा को बहुत धर्म के संस्कार पापा ने सिर्फ धर्म मंदिर भी जाना तो लोग देखे अनिता अगर तू ए करेगी तो तेरे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा तू ए करेगी तो तेरे लिए साइकिल वगैरह कुछ भी जो भी बचपन में लोग देते थे उस लोभ के कारण मैं धर्म जरूर करती थी बट कभी अंतर आत्मा में नहीं उतारा उस धर्म को मैंने अगर मेरा टर्निंग पॉइंट आया है मेरे आत्मा का कुछ टर्निंग पॉइंट तो मेरे पाटन पुण्य भूमि ऐसे पंचासरा पार्श्वनाथ के चरणों में कोटिशह वंदन पाटन से ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरी आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई वहां से ही मेरे माता पिता की इच्छा थी हम तीनों भाई बहनों में से किसी की एक ही दीक्षा हो पर भाई दोनों भाई को तो भाव हुए नहीं मैंने चाहा मैंने हमेशा मेरी एक आदत है कि मैं कभी माँ बाप को ना नहीं बोलती थी बस एक इच्छा थी कभी भाव होए ना होए पर प्रयत्न जरूर करूंगी इसी इच्छा से पाटन में मैंने अपना अध्ययन शुरू किया पर गुजराती तो आती नहीं थी बिल्कुल भी और मेरे गुरुदेव परम उपकारी चंद्रकांत भाई गुरुजी प्योर गुजराती और काठियावाड़ी गुजराती जिनके कारण मैंने संस्कृत अध्ययन किया और खूब आगे बढ़ा अगर वो आज उन्होंने सिर्फ एक चीज बोला था अनिता अगर तू संस्कृत पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं घी का त्याग जरूर करूंगा बस उस एक छोटा सा निमित्त ने मुझे इतना अच्छा अध्ययन और मेरे माँ बाप की अच्छी मेहनत के कारण आज मैं इस मंच पर पहुंच पाई हूँ इस स्थान पर पहुंच पाई हूँ और गुरुकुल वास में मैंने 9 साल करीबन 9 साल से मैं इस महासाब के कांटेक्ट में हूँ मुझे पता ही नहीं था मयूर कला श्रीजी महासाब आनंद कभी नाम सुना ही नहीं था पहली बात तो मुझे साधु साध्वी का कुछ
परिचय भी नहीं था, ना कुछ जानता, ना धर्म क्या होता कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ गुरुदेव परम उपकारी जयानंद सुरेश्वर जी महासाहब ने मुझे इतना ही कहा, अनिता तू वहां पर जा, तेरा कल्याण होगा। बस उसी दिन 10 साल पहले अहमदाबाद में पाचानी पोल में गुरु माँ का चौमासा हुआ और मेरे माता पिता ने उनको मुझे समर्पित कर दिया और बोला कि आज से आपको ये समर्पित। और उस दिन से मेरी लाइफ की जर्नी सेकंड गुरु माँ, मतलब पहले गुरु माँ तो मेरे माता पिता ही है और सेकंड गुरु माँ मेरे मयूर कलाशी जी थे, बड़े माँ साहब अनंत कलाशी जी माता, उनके उपकार से मैं आज इस मंच पर पहुंच पाई हूँ। और 9 साल में करीबन मेरे बहुत अप एंड डाउन्स देखे, भाव में भी बहुत अप एंड डाउन्स आए, ऐसे नहीं कि 9 साल कंटिन्यूस मेरा वैराग्य मजबूत रहा, नहीं। बस गुरु माँ ने मुझे हिम्मत देते रहे, माता पिता ने मेरी परीक्षा लेते गए और उनके कारण, और मेरे आदिनाथ दादा का तो प्रभाव है ही, हमेशा उनको कुछ कहती थी, दादा मुझे बस आप शक्ति देना मुझे कैसे भी करके। दीक्षा के भाव तो नहीं थे बट एक अंतर में नियम था कि बस कभी शादी नहीं करनी, भले मैं दीक्षा लो या ना लो शादी तो मुझे कभी करनी ही नहीं थी। बस इस छोटे से नियम, इस छोटे से टारगेट के कारण आज मैं संयम पद पर जा रही हूँ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट अपने परिवार जनों को, मैं विजयवाड़ा से यहाँ तक आई पालीतना, सब लोग मुझे कहते अनिता प्लीज सेल्फी, अनिता प्लीज सेल्फी, फोटोज फोटोज। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कब आप अपना सेल्फी के लिए लोग आपके पीछे पड़ेंगे, कब आप इस लायक बन पाओगे? आप तभी बन पाओगे जब आप इस पद पर, संयम पद पर आओगे, तभी आप इस सेल्फी के लायक बन पाओगे। मेरा कहना कि मेरी सेल्फी तो बहुत हो गई, बस आप पर ऐसी सेल्फी बनाओ कि आप सब लोग आपके पीछे ऑटोग्राफ, प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ, ऐसे लायक बनो, यही शुभेच्छा। और 2 लाइन मैं अपने परिवार के लिए गाना चाहूंगी, संग में फौला होता गना हो सीला, कारो उपकार हो तो कभी ना भूलू, हूँ तो चाहू चु हवे संयम ना पंते, चलो आप चु तमे इच्छा मी दुक्कड़म, चलो आप चु तमे मिच्छा मी दुक्कड़म, चतुर्विद संग मोरा घना हो सीला, दीक्षा मोत्सव करी होश ज पूरी, तारो उपकार हु तो कदी ना भूलू, हू तो चाहू चु हवे संयम ना पंते, चेल्लो आपू चु तमे मिच्छा मी दुक्कड़म, चेल्लो आपू चु तमे मिच्छा मी दुक्कड़म। और एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, दीक्षार्थी का जितना बहुमान, जितनी रेस्पेक्ट, जितनी आदर मान, जितना बहुमान आज इन सब दीक्षार्थियों, 10-10 दीक्षार्थियों, अनेक दीक्षार्थियों को मिलता है, उतना बहुमान, उतनी आदर सम्मान संयम को काश मिल पाता। आज मैं दुख के साथ कहना चाहती, कोई भी संयम, इवन मैंने देखा है अहमदाबाद में गोचरी के लिए महात्मा जब घर घर जाते हैं तो गोचरी का दरवाजा बंद होता है, मासा कहते धर्म लाभ, पर आप कोई दरवाजा भी नहीं खोलते, 10 बजे तक उठते हो। मेरे दीक्षा के निमित्त एक जरूर इतना नियम लेना कि आप सब 7 बजे के बाद अपना दरवाजा जरूर खुला रखना, ताकि कोई भी महात्मा आए और गोचरी लेने के लिए कम से कम दरवाजे के ऊपर खड़ा रहना, और इतना आदर सम्मान जरूर जरूर देना, यही शुभेच्छा है मेरी।